हेलो दोस्तों, मैं राजेंद्रपुर के आप सभी का अहमद अब्दुल्ला गरीब आईटीआई के यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का वीडियो आपके लिए मैं लेकर आया हूं और वो बहुत ही खास है क्योंकि आज अहमद अब्दुल्ला गरीब आईटीआई में कैंपस इंटरव्यू हो रहे थे और यहाँ पर इंडिया की रेप्यूटेड कंपनियों ने हिस्सा लिया था। उनमें से एक विक्रोली मुंबई, यहाँ की फन फर्स्ट ग्लोबल स्किलर्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के बिजनेस डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के DGM आदरणीय नरेंद्र गुप्ता जी हमारे साथ हैं। दोस्तों, ये कंपनी बहुत ही रेपुटेड है और इस कंपनी में ITI के स्टूडेंट को मौका दिया जा रहा है एज अ जॉब और अप्रेंटिसशिप के जरिए। तो आइए हम बात करते हैं आदरणीय नरेंद्र गुप्ता जी से कि जिन्होंने पहली बार इस इंस्टीट्यूट को विजिट किया मेरे ख्याल से, तो जान लेते हैं उनके बारे में। गुप्ता जी, पहले तो आपके बारे में कुछ बताइए हमारे व्यूवर्स को। जी, पहले तो आपके व्यूवर्स को नमस्कार, और मैं ये कहना चाहूँगा कि वन ऑफ द बेस्ट ITI है ये जिसमें मैं आज विज़िट किया है, और आज मेरे को ये सौभाग्य मिला कि आप लोगों के साथ मैं इंटरेक्ट करने को मिला, आपके बच्चों के साथ बात करने को मिला, एंड आई वॉज रियली इम्प्रेस्ड। जहाँ तक हमारा सवाल है, हमारी कंपनी का सवाल है, हमारी कंपनी की जर्नी अराउंड 13 इयर्स बैक स्टार्ट हुई थी। एज अ कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर वी वर इलेक्ट्रॉनिक्स डिवीज़न में मैन्युफैक्चरिंग करते थे। बहुत ही ज़बरदस्त प्रोफाइल बताई आपने आपकी कंपनी की। आप जैसे लोग जो है, जिनकी विजन और जिनका मोटो ये जो मतलब विकास की ओर है, तो डेफिनेटली विकास तो होगा ही। हमारी ओर से आपको शुभकामनाएँ तो है ही। अभी आपने जो जिक्र किया कि आपका ITI बेस्ट है, वैसे ITI तो मतलब हमारा जो भारत देश है जो आत्मनिर्भर बनने जा रहा है, मतलब उनका तो मेन एम ही है कि आत्मनिर्भर भारत, स्किल इंडिया वगैरह, उसको जो स्किल वर्कर जो प्रोवाइड किए जाते हैं या दिए जाते हैं तो वो ITI से ज़्यादा दिए जाते हैं। राइट। और आप ऐसे स्टूडेंट को मौका दे रहे हैं, मतलब आप भी आपके कंपनी के थ्रू ये जो आत्मनिर्भर भारत जो अपना मोटो है उसको आपका उसमें आपका योगदान बहुत ही ज़्यादा है। जी सर, स्पेशली फॉर द ITIs अगर मैं कहूँ तो हम लोग एम्पैनल्ड हैं एज अ TPA फॉर नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम। ओके, तो हम लोगों को पैन इंडिया हम लोग अप्रेंटिसशिप में सपोर्ट कर रहे हैं। ये आपके वेस्टर्न रीजन में नेशनल अप्रेंटिसशिप जो आपका ट्रेनिंग स्कीम है जो ग्रेजुएट्स के लिए है, वहाँ पर भी हम लोग एम्पैनल्ड हैं, और नॉर्दर्न रीजन के लिए भी। सो आप कह सकते हैं ITI के पूरे इकोसिस्टम पे हम लोग वर्क कर रहे हैं, इंक्लूडिंग आपका अप्रेंटिसशिप हो, आपका जॉब हो, ऑल इन दैट। ओके ओके, देखिए अभी जैसे कि आपको आप ITI से जुड़े हुए हैं मतलब, तो आपने इस सिलसिले में जैसे कि अभी इंटरव्यू लेने के लिए आप यहाँ पर आए हो, तो ऐसे इंटरव्यू लेने के लिए बहुत सारे ITIs आप घूमे होंगे। बिल्कुल। तो अभी भी बताया था आपने कि ये बेस्ट ITI, तो आप कैसे डिस्क्राइब करोगे कि क्या क्या इस ITI में? सबसे पहली चीज़ होती है जब आप कहीं भी एंटर करते हैं तो कहते हैं ना, फर्स्ट इम्प्रेशन इज द लास्ट इम्प्रेशन। तो आप अंदर जैसे ही गेट पर एंटर करेंगे, पॉजिटिव वाइब्स आती हैं कि हाँ, जो आपका क्लीनिंगनेस है, इतना साफ सुथरा आपका एरिया है, आप अंदर आते जाइए, अधिकतर ITIs में मतलब यू कैन अंडरस्टैंड, ठीक है। सो दैट वॉज ऑसम। उसके बाद में मैं आपके मैनेजमेंट से मिला, ठीक है, दे हैव टोल्ड मी नंबर ऑफ एक्टिविटीज़ विच यू आर डूइंग। फिर आपका साइंस टेक लैब देखा, इवन जो आपके एफर्ट्स हैं आपके टीचर्स के, फैकल्टीज़ के, जो बच्चों के लिए आपने मॉडल्स क्रिएट किए हैं ताकि वो प्रैक्टिकली दे कैन अंडरस्टैंड रादर देन अंडरस्टैंडिंग फ्रॉम द बुक। सो दैट वॉज ग्रेट। आफ्टर दैट हम लोग जब इंटरव्यू कर रहे थे बच्चों का, सो आई फाउंड योर कैंडिडेट्स क्वाइट सिंसियर, वो एक एडवांटेज आपका दिखा मेरे को। सो दीज आर द सम ऑफ द मीन्स आई वॉज रियली इम्प्रेसिव। यस यस यस, हम यही चाहते हैं, हमारे जो मैनेजमेंट है यही चाहता है कि यहाँ से जो भी स्टूडेंट निकले वो परिपूर्ण होकर निकले, ना कि सिर्फ माइंड से वगैरह, तो शरीर से भी, जैसे कि आपने देखा होगा कि जिम है अपने पास, पूरा नॉलेज हम देते हैं। इंग्लिश स्पीकिंग किसी का अगर वीक है तो इंग्लिश स्पीकिंग कोर्सेज भी हमारे यहाँ पे है, कंप्यूटर का नॉलेज भी हम फ्री में देते हैं बच्चों को। गुप्ता जी, बहुत अच्छी बातें कर रहे हैं आप, मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा बातें करो आपसे हमारे व्यूअर्स के लिए, तो मैं सिर्फ इतना आपसे पूछूंगा लास्ट सवाल कि हमारे व्यूअर जो आपको देख रहे हैं तो ITI के बारे में या टेक्निकल फील्ड के बारे में हम उनको क्या सलाह देना चाहोगे? देखिए,
हर बच्चा जो पढ़ रहा है वो उसका एक करियर पाथ होता है कि वो किस लिए पढ़ रहा है। आज की तारीख में आप बच्चों से बात करो तो दे आर इन अ थॉट प्रोसेस कि मेरे को पहले दिन 40,000-50,000 की जॉब मिल जाए, ओके। और एंड द प्रैक्टिकलिटी ये है कि बिना स्ट्रगल के, बिना पहली सीढ़ी चढ़े आप ऊपर टॉप पे नहीं आ सकते। उसके लिए पैसे की कमी नहीं है इंडस्ट्री के अंदर, आप जो मांगेंगे इंडस्ट्री इज़ रेडी टू गिव यू, बट एट द सेम टाइम आपका नॉलेज क्या है। सो मैं अपने सभी व्यूअर से, आपके व्यूअर से कहना चाहूँगा कि सबसे पहला चीज़, कीप मनी ऑन द सेकेंड साइड, कीप नॉलेज ऑन द टॉप मोस्ट प्रायोरिटी। अपनी नॉलेज को आप बढ़ाएं, अपने स्किल्स को शार्पन करें। आपके घर से आपको लेने कंपनी आएंगी, लेकिन प्रोवाइडेड आप अपनी नॉलेज पे वर्क करें। तो जॉब की कमी नहीं है, स्किल सेट्स की कमी है। आप दूसरा कि हम लोगों कहीं ना कहीं इस उसमें रहते हैं कि मेरे को मेरे घर के बराबर में जॉब मिल जाए, ओके। सो आपको हो सकता है आपके घर के बराबर में मिल जाएगी, लेकिन कब तक? देर इज़ अ लिमिटेशन ऑफ दैट कि आप एक्स नॉलेज वहाँ पर गेन कर लें, उसके बाद में क्या। सो अपना माइंडसेट ओपन रखिए। जितना आप बाहर जाएंगे, जितना अपने घर से थोड़ा डिस्टेंट पे काम करेंगे, उतना ज़्यादा लर्निंग आपको मिलेगी, उतना ज़्यादा एक्सपोजर मिलेगा, और उतना ज़्यादा और जल्दी आपका ग्रोथ होगा। बहुत बहुत बढ़िया बात की आपने कि घर के नज़दीक नहीं, आपके पास अगर स्किल है तो लोग तुम्हें घर पर आएंगे लेने के लिए। तो स्किल बढ़ाना है, आपका नॉलेज बढ़ाना है, इसलिए घर से बाहर निकलो। बहुत ही अच्छा मैसेज आपने हमारे व्यूअर्स को दिया है। गुप्ता जी, आपकी कंपनी को और आपको अहमद अब्दुल्ला गरीब आईटीआई की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं मैं देता हूँ। ये नए साल की भी हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ, और बहुत बहुत शुक्रिया सर आप यहाँ पर आए। तो ये थे आदरणीय नरेंद्र गुप्ता जी, बहुत ही बढ़िया मार्गदर्शन आपको मिला है। तो आगे की वीडियो में हम फिर से मिलेंगे आपसे ऐसे ही कुछ खास लोगों से बातचीत करने के लिए। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, और आपको भी आगे के जीवन के लिए और इस नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद।